Hello everyone, I am Param and welcome to my YouTube channel Raman Steno Classes. Class start करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि कुछ students regular class के लिए request कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़ा timing issue है students, इसलिए मैं regular class upload नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मैं sorry feel करना चाहूँगी. But आप जुड़े रहें मेरे channel के साथ, आपको shorthand का एक complete course provide किया जाएगा. Don't worry. So please do cooperate and keep supporting student. Okay. So class start करते हैं. आज हम doubling principle discuss करेंगे. Halving principle के दोनों sections हम last class में cover कर चुके हैं. अगर अभी तक वो videos आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें channel की playlist में जाकर attend कर सकते हैं, देख सकते हैं. Okay. So start करते हैं class. First point है डबलिंग प्रिंसिपल के लिए जनरल रूल आपको देखना है. जनरल रूल में क्या है, जब भी हम किसी स्ट्रोक की लेंथ को डबल करके या बढ़ा के लिखते हैं तो उसमें आपकी ये साउंड्स ऐड हो जाती हैं, जैसे टी आर की साउंड, थी आर की साउंड, या फिर साउंड चर ऐड हो जाती है जब भी आप किसी स्ट्रोक की लेंथ को डबल करके लिखते हैं. ओके, ये चारों साउंड्स में से कोई भी साउंड ऐड हो सकती है. एग्जाम्पल से क्लियर होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वर्ड लिखना है फाई, तो इसे हम नॉर्मली लिख सकते हैं एफ के साथ आई लिखेंगे, फाई. बट अगर आपको लिखना है वर्ड फाइटर, तो यहां पर आप क्या करेंगे, टर की साउंड आई हुई है तो आप स्ट्रोक की लेंथ को डबल करेंगे इस तरह से, इसे आप पढ़ेंगे फाइटर. ओके, अगर आपको वर्ड लिखना है पिक, तो नॉर्मली लिख सकते हैं पी एंड के इस तरह से. बट वहीं अगर आपको लिखना है पिक्चर, यहां पर क्या है, चर की साउंड आई हुई है, तो क्या करेंगे आप, पी एंड के को आप डबल करते हुए लिखेंगे पिक्चर, इसे पढ़ेंगे आप पिक्चर. अगर लिखना है वर्ड वॉन, इस तरह से लिख सकते हैं. बट अगर लिखना है वॉन्डर, क्या करेंगे, लेंथ को डबल करेंगे इस तरह से, डी आर की साउंड के लिए वॉन्डर में. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, डबलिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रोक्स. द डबलिंग प्रिंसिपल must not be applied to a straight stroke unless it follows a circle or stroke consonant or has a final hook. ओके, क्या है इस पॉइंट में, मीन्स स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ डबलिंग प्रिंसिपल तब तक अप्लाई नहीं होता है जब तक स्ट्रोक सर्कल को, फाइनल हुक को, या किसी स्ट्रोक कॉन्सोनेंट को फॉलो ना कर रहा हो. ओके, मीन्स सर्कल अटैच होगा, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट होगा, या फाइनल हुक होगी किसी भी स्ट्रोक के साथ, तो उस पर डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई होगा. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वर्ड लिखना है स्केटर, कैसे लिखेंगे,
सर्कल है यहाँ पे, के साथ डबल करते हुए लिखेंगे स्केटर. अगर लिखना है वर्ड कैप्टर, क्या करेंगे? अबव द लाइन एंड पी को डबल करेंगे कैप्टर के लिए. अगर लिखना है वॉन्डर, डबल करेंगे. ओके, यहाँ पर सर्कल अटैच है, यहाँ पर स्ट्रोक कॉन्सोनेंट है हमारे पास, एंड यहाँ पर हमारे पास फाइनल हुक है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. स्ट्रोक्स एम पी एंड इंक, इन्हें किस तरह से ट्रीट करेंगे? द करेक्टर एम पी या एम बी, इस तरह से लिखा जाता है इन्हें. वेन नॉट इनिशियली और फाइनली हुक्ड इज डबल्ड फॉर द एडिशन ऑफ ई आर एंड द कैरेक्टर इंग फॉर द एडिशन ऑफ कर या गर. ओके, अब इस पॉइंट में क्या है, जब एम पी या एम बी के साथ कोई इनिशियल या फाइनल हुक नहीं होगी तो इसे डबल किया जा सकता है ई आर की एडिशन के लिए, और इंक को डबल किया जा सकता है कर या फिर गर की एडिशन के लिए. ओके स्टूडेंट्स, किस तरह से, एग्जांपल से क्लियर होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपको वर्ड लिखना है बम्पर, ठीक है, किस तरह से लिखेंगे आप? बी एम पी या एम बी को लिखना है यहाँ पर, डबल करते हुए लिखेंगे इस तरह से, क्या पढ़ेंगे इसे? बम्पर. अगर आपको लिखना है वर्ड वैम्पर, अगेन वी एंड एम पी या एम बी को आप डबल करेंगे वैम्पर. ओके, उसी तरह से इंग के साथ किसकी साउंड आएगी, कर की या गर की. अगर आपको वर्ड लिखना है इंकर, इस तरह से. अगर आपको वर्ड लिखना है लिंगर, इस तरह से लिखेंगे. ओके, रिकग्नाइज आपको खुद से करना है आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ कि यहाँ पर कर की साउंड आई हुई है या फिर गर की साउंड आई हुई है, वो आप खुद से करेंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. ऑल्टरनेटिव्स फॉर एम पी आर एम बी आर. क्या रहेगा इस पॉइंट में? देर आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर एम पी आर एम बी आर द डबल फॉर्म, इसे हम इस तरह से लिखते हैं. ओके, एंड द हुक्ड फॉर्म, किस तरह से लिखा जाता है? इस तरह से. ओके, द हुक्ड फॉर्म इज यूज्ड व्हेन
MPR या MBR इमीडिएटली फॉलोज एन अपस्ट्रोक और K. In all other cases, the double length form is used. Okay, क्या बोला गया है इस point में? Means दो form बताई गई हैं MPR MBR के लिए. एक तो डबल लेंथ फॉर्म है, दूसरी आपकी हुक्ड फॉर्म है. ओके, एक डबल लेंथ फॉर्म है ये रही, एंड दूसरी हुक्ड फॉर्म है ये वाली. हुक्ड फॉर्म यूज़ होगी जब आपको MPR MBR को स्ट्रोक के बाद या किसी अप स्ट्रोक के बाद लिखना है, और बाकी केसेस में आप क्या करोगे, डबल लेंथ फॉर्म का यूज़ करोगे. ओके, किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्ड लिखना है कंबर, के बाद जब यूज़ करना है आपको, या फिर किसी अप स्ट्रोक के बाद में यूज़ करना है, तो आप हुक फॉर्म यूज़ करोगे MPR MBR के लिए. यहाँ पर हम के साथ बी MBR का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हुक्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हम इस तरह से, कंबर. इसी तरह से अगर लिखना है वर्ड स्लम्बर, ठीक है, एल क्या है, एक अप स्ट्रोक है, तो इसके बाद में भी आप क्या करोगे, हुक्ड फॉर्म यूज़ करोगे, सर्कल एस एल एंड MBR, स्लम्बर. ओके, इसी तरह से हैम्पर, अपस्ट्रोक है फिर से हे MPR, हैम्पर. ओके, वहीं बाकी सभी केसेस में आपको क्या करना है, डबल लेंथ यूज करना है. अगर आपको वर्ड लिखना है टेम्पर, टी एंड डबल लेंथ यूज करेंगे इस तरह से टेम्पर के लिए. अगर लिखना है वर्ड चैम्बर, चे MBR, चैम्बर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अल्टरनेटिव्स फॉर इंकर एंड इंगर. इंकर या इंगर के लिए अल्टरनेटिव देखना है आपको क्या है. देर आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर इंकर, इंगर, द डबल लेंथ इस तरह से, एंड द हुक्ड फॉर्म इस तरह से. द डबल लेंथ फॉर्म इज यूज्ड इनिशियली एंड व्हेन फॉलोइंग, व्हेन फॉलोइंग अ सर्कल और एन अपस्ट्रोक इन ऑल अदर केसेस, इन ऑल अदर केसेस द हुक्ड फॉर्म, द हुक्ड फॉर्म इज रिटन. ओके, क्या है इस पॉइंट में, इस पॉइंट में भी ऊपर वाले पॉइंट की तरह ही बताया गया है कि दो फॉर्म्स होंगी इंगर एंड इंकर के लिए. एक डबल लेंथ होगी, दूसरी हुक्ड फॉर्म होगी. डबल लेंथ को आप इनिशियली यूज़ करोगे जब सर्कल को या किसी अप स्ट्रोक को ये फॉर्म फॉलो करेगी. ओके, एंड बाकी केसेस में आप क्या करोगे, हुक्ड फॉर्म यूज़ करोगे. ओके, सिमिलर केस है ऊपर वाले की तरह, बट उसका अपोजिट रहेगा, ध्यान रखना है आपको. किस तरह से, अगर आपको वर्ड लिखना है एनकरेज,
क्या करेंगे, अब इनिशियली आया हुआ है इंकर, इंकर की साउंड इनिशियली आई हुई है, तो आप इनिशियली यूज़ करेंगे इसे इस तरह से एंड जे क्यू यूज़ करेंगे. ओके अगर आपको वर्ड लिखना है सिंकर, यहाँ पर सर्कल फॉलो कर रहा है, इस तरह से लिख सकते हैं. अगर आपको वर्ड लिखना है पिंकर, क्या करेंगे यहाँ पे, हुक्ड फॉर्म यूज़ होगी इस तरह से. ओके यहाँ पर आप डबल लेंथ फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे. बट अगर आपको लिखना है हंगर, क्या करेंगे, फिर से डबल लेंथ यूज़ करेंगे. वहीं अगर आपको लिखना है कैंकर, यहाँ पर हुक्ड फॉर्म यूज़ होगी इस तरह से. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. स्ट्रोक, एल, द स्ट्रोक एल स्टैंडिंग अलोन, स्टैंडिंग अलोन और विद ओनली अ फाइनल सर्कल अटैच्ड is doubled for the sound of tr only. क्या बोला गया है इस पॉइंट में, जब स्ट्रोक एल स्टैंडिंग अलोन होगा या फिर फाइनल सर्कल के साथ अटैच होगा तो हम स्ट्रोक एल को सिर्फ साउंड tr के लिए ही डबल करेंगे. किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वर्ड लिखना है लेटर, यहाँ पर टर की साउंड आई हुई है और एल के साथ है, तो हमने इस पॉइंट में यही देखा है कि आप एल को डबल करोगे सिर्फ और सिर्फ टी आर की साउंड के लिए, और यहाँ पर एल स्टैंडिंग अलोन भी है, इस तरह से डबल लेंथ करते हुए हम लिखेंगे लेटर. अगर आपको लिखना है यही लेटर्स, सर्कल एस एड हुआ है, फिर से इस तरह से लेटर्स. ओके बट अगर ज्वाइन करते हुए लिखेंगे किसी स्ट्रोक के साथ तब आउटलाइन कंप्लीट क्रिएट होगी. किस तरह से, स्टैंडिंग अलोन में तो आपको क्या करना है, एल को डबल कर देना है टी आर की साउंड के लिए, बट अगर आपको एल के साथ कोई और स्ट्रोक जोड़कर लिखना है, ज्वाइन करते हुए अगर आप एल के साथ कोई स्ट्रोक लिखते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, कंप्लीट आउटलाइन ड्रॉ करनी है. फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ड आ जाता है लीडर, हमने रूल पढ़ा है कि एल को हम सिर्फ और सिर्फ टी आर के लिए डबल करेंगे, बाकी किसी भी साउंड के लिए हम डबल नहीं करेंगे, तो यहाँ पर वही रूल आप अप्लाई करोगे. यहाँ पर एल डी के साथ आर की हुक लगाते हुए आप कंप्लीट आउटलाइन ड्रॉ करेंगे. ओके हमारे दूसरे रूल्स को यूज़ करते हुए. अगर आपको वर्ड लिखना है इस तरह से लेदर, यहाँ पर डी आर की साउंड के लिए है, यहाँ पर थी आर की साउंड के लिए है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्ट्रोक या कॉन्सोनेंट यूज़ करते हुए आप आउटलाइन क्रिएट करेंगे, डबलिंग प्रिंसिपल आप यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे. ओके नेक्स्ट पॉइंट है, सर्कल एस एंड डबल लेंथ स्ट्रोक्स इस पॉइंट में क्या ध्यान रखना है आपको, कि जब भी आपको डबल लेंथ के किसी आउटलाइन के बाद या किसी स्ट्रोक के बाद सर्कल एस अटैच करना है, तो आप उसे फाइनली रीड करेंगे. ओके किस तरह से, एग्जांपल अगर आपको लिखना है वर्ड वाटर्स, वाटर्स वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पर सर्कल एस आया हुआ है, क्या करेंगे आप वाटर की आउटलाइन क्रिएट करेंगे देन सर्कल एस. इसे रीड करना बताया गया है कि आप स्ट्रोक के बाद में ही, आउटलाइन के बाद में ही इसे रीड करेंगे सर्कल एस को यहाँ पर. ओके
अगर आपको लिखना है वर्ड रेंडर्स, यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, आउटलाइन क्रिएट करेंगे रेंडर्स के इस तरह से, एंड सर्कल एस को आप फाइनली ही रीड करेंगे. लिखना है वर्ड हमें रेक्टर्स, यहाँ पर क्या करेंगे रे के को डबल करते हुए सर्कल एस, एस को हम फाइनली रीड करेंगे. ओके, नेक्स्ट है पास्ट टेंसेस. पास्ट टेंसेस में डबलिंग प्रिंसिपल किस तरह से यूज होगा वो देख लेते हैं. इसमें आपको क्या करना है, पास्ट टेंस में जो भी वर्ड्स हम लिखते हैं वो आप हाफिंग प्रिंसिपल यूज़ करते हुए ही लिखेंगे. कैसे, अगर तो वर्ड्स आ जाता है, कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जैसे आपको लिखना है पॉन्डर, यहाँ पर क्या है आप जनरल रूल अप्लाई करते हुए यहाँ पर पॉन्डर को लिख सकते हैं. पी के बाद डी आर की साउंड आई हुई है, ठीक है, तो इसे आप डबल करते हुए इस तरह से लिख सकते हैं पॉन्डर. बट अगर आपको लिखना है वर्ड पॉन्डर्ड पास्ट टेंस में, अगर आपको लिखना है, यहाँ पर बोला गया है कि आप हाफिंग प्रिंसिपल का रूल यूज़ करते हुए ही आउटलाइन क्रिएट करेंगे. किस तरह से, इस तरह से पॉन्डर्ड. ओके, अगर आपको लिखना है वर्ड और देख लेते हैं कैंटर्ड, यहाँ पर क्या करेंगे के एन एन आर के साथ हमने हाफ ऐड कर दिया है, डी हाफ करते हुए ऐड किया है डी. अगर आपको लिखना है वर्ड मैटर्ड, यहाँ पर क्या करेंगे इस तरह से हाफिंग प्रिंसिपल यूज़ करते हुए. ओके, पास्ट टेंसेस में आप ध्यान रखेंगे. अब बात करते हैं डबलिंग प्रिंसिपल कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा. डबलिंग प्रिंसिपल नॉट इम्प्लॉयड, कहाँ कहाँ पर आप इसे यूज नहीं करेंगे. व्हेन ए वॉवल फॉलोज फाइनल टी आर डी आर एक्सेट्रा बिकॉज ए फाइनल वॉवल रिक्वायर्स अ फाइनल स्ट्रोक फॉर द वॉवल साइन. क्या है इस पॉइंट पे, मीन्स जब इन साउंड्स के बाद वॉवल होगा तो आपको डबलिंग प्रिंसिपल नहीं यूज़ करना है. उस केस में आप क्या करेंगे, कंप्लीट आउटलाइन क्रिएट करेंगे. किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर आपको वर्ड लिखना है फ्लैटर, तो यहाँ पर आप नॉर्मल रूल यूज़ करते हुए इस तरह से लिख सकते हैं फ्लैटर. बट अगर आपको लिखना है वर्ड फ्लैटरी, यहाँ पर क्या करेंगे, अब टी आर की साउंड के बाद फाइनली वॉवल आया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनल में आपको स्ट्रोक कॉन्सोनेंट यूज़ करना होगा. क्यों, वॉवल को प्लेस देने के लिए. इस तरह से लिखेंगे आप फ्लैटरी. ओके, अगर आपको वर्ड लिखना है एंगर, इसे आप डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ करते हुए इस तरह से लिख सकते हैं. बट अगर आपको लिखना है वर्ड एंग्री, क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे. ओके, बी पॉइंट क्या है, कहाँ पर और यूज़ नहीं करेंगे आप डबलिंग प्रिंसिपल को. इन वर्ड्स वेयर द थर्ड साउंड इज लाइट साउंड. ओके, उन वर्ड्स में जहाँ पर जो इत आर की साउंड है, या थर बोलते हैं आप इसे, इसकी साउंड को लाइटली बोला जाता है, लाइटली हम प्रोनंस करते हैं, वहाँ पर
भी आप क्या करोगे, डबलिंग प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करोगे. जैसे आपको वर्ड लिखना है पैंथर, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, कंप्लीट आउटलाइन क्रिएट करते हुए अपना वर्ड बनाओगे इस तरह से. अगर लिखना है वर्ड आपको ऑथर, क्या करेंगे इस तरह से, डबलिंग प्रिंसिपल यहां पर आप यूज नहीं करोगे. ओके स्टूडेंट्स, फाइनल पॉइंट क्या रहेगा आज के लिए, पोजीशन देखनी है आपको स्ट्रोक्स की, जिन्हें हम डबल करते हुए लिखते हैं, पोजीशन ऑफ डबल लेंथ स्ट्रोक्स. फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑल डबल लेंथ डाउन स्ट्रोक्स आर रिटन थ्रू द लाइन्स. ओके, फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि जितने भी आपके डाउन स्ट्रोक्स लिखे जाते हैं उन्हें हम थ्रो द लाइन्स लिखते हैं जब उन्हें डबल करके लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लिखना है वर्ड पेंटर, क्या करेंगे हम, थ्रो द लाइन जाने देते हैं हम, ठीक है, पेंटर. लिखना है वर्ड आपको फेटर, ये भी थ्रू द लाइन जाता है. टेंडर, ये भी थ्रू द लाइन जाता है. इस तरह से मीन्स कोई भी डबल लेंथ डाउन स्ट्रोक जब भी आप लिखते हैं तो उसे थ्रू द लाइन लिखा जाता है. फर्स्ट पॉइंट ये है. सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, डबल लेंथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल्स आर रिटन आइदर अबव द लाइन और ऑन द लाइन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वॉवल heard in the word. Okay, क्या है इस पॉइंट में कि जितने भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स आप लिखते हैं डबल करते हुए उन्हें इधर अबव द लाइन और ऑन द लाइन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वॉवल heard in the word. कैसे लिखते हैं हम, या तो लाइन से ऊपर लिखते हैं या फिर लाइन पर लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं आपका फर्स्ट वॉवल है जो उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं उसे. कैसे, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लिखना है वर्ड मैटर, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वॉवल हियर्ड, यहाँ पर आपका शॉर्ट साउंड वॉवल है, ए का साउंड है, इसे हम अबव द लाइन लिखते हैं एंड इसमें टी आर की साउंड आई हुई है. इस तरह से आप मैटर को लिखेंगे. ओके, अगर लिखना है आपको मदर, यहाँ पर वॉवल ओ है तो यहाँ पर ऑन द लाइन आप लिखेंगे इस तरह से. ओके, एम आपका एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. और क्या ध्यान रखना है आपको, डबल लेंथ अप स्ट्रोक्स आर रिटन अबव और ओन और थ्रू द लाइन
According to the first vowel heard in the word, ओके जो अपस्ट्रोक होंगे डबल लेंथ के जो भी अपस्ट्रोक लिखे जाते हैं उन्हें या तो लाइन के ऊपर या लाइन पर या फिर थ्रू द लाइन हम लिखते हैं. किस तरह से? उसी तरह से फर्स्ट वॉवल को सुनते हुए, फर्स्ट वॉवल को देखते हुए, फर्स्ट वॉवल के अकॉर्डिंग आप लिखोगे. किस तरह से? एग्जाम्पल, अगर आपको लिखना है वर्ड लॉयटर, क्या करोगे? अबव द लाइन, इस तरह से. ओके, एल आपका एक अपस्ट्रोक है. इसी तरह से रेंडर, आर भी आपका एक अपस्ट्रोक है. किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से रेंडर. सो ये आपकी पोजीशन का पॉइंट था कि पोजीशन आपको डबल लेंथ स्ट्रोक्स की है जो वो किस तरह से देखते हुए अच्छे से लिखनी है. फर्स्ट पॉइंट था डाउन स्ट्रोक्स के लिए कि जो भी डबल लेंथ के डाउन स्ट्रोक हैं उन्हें आप थ्रू द लाइन लिखते हैं. ओके, सेकंड पॉइंट था हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के लिए. जो हॉरिजॉन्टल डबल लेंथ स्ट्रोक्स होते हैं उन्हें आप क्या करते हैं? इधर अबव द लाइन लिखते हैं या फिर ऑन द लाइन लिखते हैं, जैसे भी आप फर्स्ट वॉवल को पहचानते हैं उसके अकॉर्डिंग. एंड लास्ट में जो पॉइंट है वो है अपस्ट्रोक के लिए. अपस्ट्रोक जो डबल लेंथ स्ट्रोक होते हैं उन्हें अबव द लाइन, ऑन द लाइन या फिर थ्रू द लाइन लिखा जाता है. किस तरह से? फर्स्ट वॉवल के अकॉर्डिंग भी उन्हें हम लिखते हैं, जैसे लॉयटर और रेंडर दोनों में एल और आर क्या है आपका? रे आपका एक अपस्ट्रोक है. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. गुड लक.